हेलो फूडीज, आरती फूडी मील्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चंक्स की ऐसी रेसिपी जो किसी भी नॉनवेज रेसिपी को पीछे छोड़ दे। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाते हैं रेसिपी। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सोयाबीन लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोयाबीनी चंक्स लिए हैं मैंने, जिसे मैंने यहाँ पर 20 मिनट के लिए पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। और अब हम यहाँ पर सारे जो चंक्स हैं वो अच्छे से फूल गए हैं और मैं इसे स्क्वीज़ कर लूँगी और इसे हम अलग से निकाल लेंगे। सोया चंक्स को हमने यहाँ पर स्क्वीज़ करके ले लिया है और इसमें हल्का सा पानी है और भिगाते समय मैंने यहाँ पर इसमें हल्का सा नमक डाला था। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ों को हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। जब आप सोया चंक्स को मैरिनेट करते हैं तब इसके अंदर सारे फ्लेवर्स जो है वो अच्छे से अंदर तक चले जाते हैं और इसका स्वाद और बढ़ जाता है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें हम सब्ज़ी बनाने वाले हैं और उसमें मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच तेल। और अब हम उसमें प्याज को फ्राई करने वाले हैं। 1 बड़ा प्याज है जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया था और इसे हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। उसी तेल में हम अभी ऐड करने वाले हैं 2 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 1 स्टार फूल, 2 दालचीनी, 2 लौंग और 4 से 5 काली मिरी। इसी मसाले में हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जीरा और साथ ही साथ हम इसमें हमारे जो सोयाबीन है वो फ्राई करने वाले हैं इसी मसालों में। मसालों का जो फ्लेवर है वो अंदर तक सोयाबीन में चला जाएगा तो और ज़्यादा ये टेस्टी लगेंगे। इसमें ही हम थोड़ा सा डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हमने मैरिनेशन में डाला था, थोड़ा सा अभी भी हम डालेंगे। और अदरक लहसुन हम इसी के साथ फ्राई करेंगे। मैंने गैस की फ्लेम को लो रखा हुआ है ताकि ये धीमे धीमे फ्राई हो, तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। प्याज जो हमने फ्राई किए थे उसे हम मिक्सर के जार में डालकर पीस लेंगे। प्याज को हमने हल्का दरदरा सा पीस लिया है, उसी में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच दही। दही में हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी। इन सारी चीज़ों को हम एक बार और ब्लेंड कर लेंगे। सोयाबीन हमारे फ्राई हो चुके हैं और मसाला भी रेडी है। अब ये जो मसाला हमने ब्लेंड किया था वो सारा मसाला हम इसमें ऐड कर लेंगे। मसालों को हम सोयाबीन के साथ में मिक्स कर देंगे और अभी मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी और 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर हम इसे पकने देंगे। मसाला भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आ गया है इसमें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला और 2 मिनट के लिए इसे और पकने देंगे। इसी के साथ हम ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्च और लास्ट में हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती और इसे हम सर्व कर लेंगे। तैयार है हमारी रेसिपी। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है। यकीन मानिए ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। आप बनाकर ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और किसी मेहमान के आने पे आप इसे तुरंत बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। ये चावल के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, किसी के भी साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।